जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सोमवार से हवाई सेवा की शुरुआत पर महाराष्ट्र सरकार ने जताई लाचारी, कहा रेड जोन और हॉटस्पॉट इलाके की वजह से इजाजत देना मुश्किल। सरकार ने जताई लाचारी लेकिन एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी उड़ानों के लिए तैयार। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा हमारी तैयारी पूरी, मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देना सरकार का काम। ममता बनर्जी ने भी केंद्र से की अपील, अम्फान तूफान के मद्देनजर कोलकाता के लिए उड़ानें टाली जाएं, 30 मई से शुरू करने की अपील। दिल्ली के हौस खास में साइग्नस अस्पताल में आग, कुछ कोरोना मरीजों को करना पड़ा शिफ्ट। दिल्ली के लाजपत नगर में मेट्रो हार्ट अस्पताल में भी आग, सभी मरीजों को शिफ्ट किया गया। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6,767 मरीज बढ़े, कुल कोरोना के केस 1,31,868। देश में 24 घंटे में 147 लोगों की मौत, अब तक 3,867 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, 47,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, एक दिन में 2,608 नए केस, अब तक 1,577 लोगों की मौत, मुंबई में 1,000 के करीब मौतें। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, एक दिन में 786 नए मामले, अब तक कोरोना के 14,753 मरीज, अब तक 98 की मौत। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले, 13,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 802 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 591 नए केस, 13,000 के करीब आंकड़ा, अब तक 231 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 248 नए केस, अब तक 6,700 से ज्यादा मरीज, 160 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,170 मरीज, 24 घंटे में 189 नए मामले, अब तक 272 लोगों की गई है जान। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब भी सरपट सुलग रही है सियासत, राहुल की मुलाकात पर कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। पिछले हफ्ते झांसी जा रहे मजदूरों से मिले थे राहुल गांधी, 17 मिनट का वीडियो जारी करके कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, कहा पार्टी को सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन को लेकर विश्वास। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सॉल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। मजदूरों पर कांग्रेस बीजेपी की सियासत में मायावती की एंट्री, राहुल के हमदर्दी को बताया नौटंकी। मायावती ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा गांव या शहरों में ही हो मजदूरों के कमाने का इंतजाम तो भविष्य में नहीं पैदा होंगे ऐसे हालात। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भीषण गर्मी में प्यास ने प्रवासियों को किया बेचैन, पानी की बोतलों की लूट। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बेकाबू हुए प्रवासी मजदूर, बोतलें भर भर कर भागते दिखे लोग। विशाखापट्टनम में से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन रात भर यार्ड में खड़े रहने के बाद सुबह स्टेशन पर मिली थी जगह। रेलवे की बदइंतजामी के खिलाफ प्रवासी मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर किया विरोध प्रदर्शन, 2 घंटे तक बाधित रहा रेल रूट। प्रवासी मजदूरों के हंगामे में फंसी 6 स्पेशल ट्रेनें रूट डायवर्ट करने से लोगों में भड़की नाराजगी। यूपी के उन्नाव में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर किया पथराव, पानी और खाने का सामान न होने पर तोड़फोड़। फिरोजपुर से वाराणसी जा रहे मजदूरों का फतेहपुर में हंगामा, खाने पानी का इंतजाम नहीं होने से शिकायत। झारखंड के गढ़वा में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जुटी प्रवासियों की भारी भीड़, अब तक 24,000 लौटे, 47 लोगों में कोरोना का संक्रमण। असम के करीमगंज में बीजेपी की मीटिंग में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, 6-6 नेताओं को पहनाया गया एक ही माला। बीजेपी की बैठक में कोरोना संकट से बेपरवाह दिखे लोग, एक दूसरे के पैर छुए, गले मिलने से भी नहीं कोई परहेज। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत, मौत की वजह साफ नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने लगा रांची शहर, रेड जोन से अब ऑरेंज जोन बना।
आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स से होटल के कमरे खाली करने को कहने से नाराज। गाजियाबाद में कोरोना के मद्देनजर पूरा एहतियात, खतरा टालने के लिए ई रिक्शा में बनाए गए चार चार चेंबर। पटना में लॉकडाउन में छूट के बाद खुल गई दुकानें, लेकिन ग्राहकों की तादाद कम, बाजार में रौनक आए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में खाने को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जा रहे मजदूरों से मारपीट, एक दूसरे से छीने खाने के पैकेट्स। हाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाएं नहीं होने से भड़के मजदूर, सेंटर के बाहर रोड पर कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। दरभंगा की चर्चित लड़की ज्योति को स्कूल ने दिया दाखिला, किताबों के साथ एक नई साइकिल दी, पिता को साइकिल से दिल्ली लेकर आने पर सुर्खियों में आई थी ज्योति। तरनतारन में दो बहनों का कत्ल, भागते वक्त एक कातिल के हादसे में मौत, ट्रक से टकरा गई थी कातिलों की बाइक। विद्यालय में प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई तीन ट्रेन, छुपकर नदी पार करके जाने को मजबूर थे मजदूर, आज तक नहीं दिखाई थी खबर। बलरामपुर में दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट, लड़की से मोबाइल नंबर मांगने पर भड़का विवाद। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दामाद ने किया राजनीति से संन्यास का ऐलान, बोले लॉकडाउन के दौरान एहसास हुआ राजनीति खत्म करनी चाहिए। लखनऊ में दिन दहाड़े एनकाउंटर, शातिर लुटेरा पप्पू जावेद जख्मी, 50,000 का था इनाम। उड़ीसा के भद्रक में खाने की तलाश में गांव में घुसा जंगली हाथी, लोगों में दहशत। दाहौद में तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा, वन महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। गढ़वा में क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों का बवाल, सुविधा नहीं होने से नाराज मजदूर लाठी डंडे लेकर बाहर निकले। पारा चढ़ने के साथ गढ़वाल में शुरू हुई दिक्कतें, पहाड़ों में कई जगह लगी आग। वडोदरा के नवापुरा में पानी के लिए मची जंग, दो गुटों के बीच जमकर पथराव। नरसिंहपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी झड़प, एक की मौत, छह घायल। हरदोई में रिश्ता टूटने के बाद लेन देन को लेकर विवाद, लड़की के परिजनों ने लड़के और उसके पिता को पीटा। भरतपुर में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के पास मिला मोबाइल, लॉरेंस ने सलमान खान को दी थी जान से मारने की धमकी। पलवल में लड़की से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड समेत तीन गिरफ्तार। गुरुग्राम में कार में बैठे पति पत्नी को संदिग्ध हालत में लगी गोली, पति की हालत गंभीर। मुरादाबाद में दहशत फैलाने के लिए आधी रात को फायरिंग, वारदात सीसीटीवी में कैद। सतना में बेरोजगारी को लेकर ताने के बाद युवक की हैवानियत, कुदाली से वार करके पत्नी का कत्ल। लुधियाना में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रास्ते में चढ़ गए कई मजदूर, पंजाब पुलिस के एक जवान ने की मदद। उन्नाव में भूखे मजदूरों ने रेलवे स्टेशन पर काटा बवाल, जमकर किया पथराव। महाराजगंज में क्वारंटीन सेंटर में नेपाली युवक की मौत, सैंपल लेने से घबराया युवक, छत से कूदा। अगरतला में कोरोना के 16 और मामले, महाराष्ट्र से लौटे कुछ लोग निकले पॉजिटिव। कानपुर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग, मां बेटे झुलसे। अकोला में कोरोना वार्ड में वीडियो बनाने पर विवाद, रोकने पर पुलिसकर्मी के डॉक्टर्स और गार्ड से नोकझोंक। पटना में कार शोरूम में आग, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग। हरदोई में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर चली गोलियां, तीन घायल। दिल्ली में दहला देने वाली तस्वीर, दो लोग हाथ ठेले से लाश लेकर जाते दिखे, एलएमजीपी अस्पताल के पास की घटना। मेरठ में ईद की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे। कानपुर में तेज गर्मी से चिड़ियाघर के जानवर भी परेशान, पारा गया 42 डिग्री के पार। नॉर्थ 24 परगना में बिजली पानी का भारी संकट, गुस्से में लोगों ने ट्रक को फूंका। श्रमिक स्पेशल से आ रही महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, बाद में सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पानीपत में पति ने ली पत्नी की जान, सन के पति को पत्नी के किसी और से बात करने का था शक।
अलीगढ़ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार मजदूरों को दिया गया पानी। पानी देने के लिए स्टेशन पर खासतौर पर रुकी गई ट्रेन। दिल्ली के पहाड़गंज में ट्रेन टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लंबी कतार। बिहार बंगाल जाने वालों की संख्या ज्यादा, आधी रात से लाइन में लगे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मदर इंडिया रसोई बनी मिसाल। 13 अप्रैल से भूखे और मजबूर लोगों के लिए लगातार खाना बना रही हैं मुस्लिम महिलाएं। रामेश्वरम में सिर्फ एक यात्री के साथ ऑटो सेवा को मिली मंजूरी, लेकिन नियम के पालन के बावजूद दिखी यात्रियों की कमी। कोरोना काल में मदुरई के फूल विक्रेताओं को भारी नुकसान। लॉकडाउन से पहले 3000 रुपए किलो बिकने वाला फूल के भाव अब 70 से 80 रुपए किलो। देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो गुटों में जमकर मारपीट, हिरासत में पहुंचे 6 लोग। रिलायंस जियो की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की वेबसाइट लॉन्च। ज्यादातर सामान पर मिल रही है 5% की छूट। 21 दिन में 3 चीनी बैंकों को 5448 करोड़ रुपए चुकाएंगे अनिल अंबानी। लंदन की अदालत ने दिया आदेश। कोरोना संकट में छोटे कारोबारियों के लिए कैनरा बैंक की खास लोन स्कीम। सैलरी बकाया रकम का भुगतान होगा आसान। किया मोटर्स ने लॉन्च किया किया केयर प्रोग्राम। फुल सेफ्टी के साथ फ्री में कार सैनिटाइज करेगी कंपनी। महिंद्रा की कारों पर 2 लाख तक का भारी डिस्काउंट। स्कॉर्पियो XUV 500 पर भी मिल रही है छूट। 85 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना से जीती जंग। बेटे की कोरोना से हुई मौत। जरूरतमंदों को खाना बांटते वक्त कोरोना की चपेट में आया था पूरा परिवार। लॉकडाउन के बाद बदली आबोहवा पर असर डाल सकती है जलती पराली। पंजाब में गेहूं की फसल कटने के बाद किसानों ने फिर पराली जलाने की शुरुआत की। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 घायल। हापुड़ से प्रेमीजोड़े को बरामद कर लखीमपुर खीरी ले जा रहे थे पुलिस। इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी गाड़ी। कानपुर में घर में लगी आग ने कई दुकानों को भी चपेट में लिया। सीढ़ी लगाकर उतारे गए घर में फंसे लोग। अगस्त सितंबर से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के आसार। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सबको सही रहा तो शुरू की उड़ान। खरीफ फसल की MSP बढ़ाने की तैयारी में सरकार। 2.9% तक बढ़ सकती है धान की कीमत। मक्का और बाजरा की कीमत भी बढ़ी। अप्रैल में भारत में कच्चे तेल का आयात 12.4% घटा। डीजल के निर्यात में भी 68% की बढ़ोतरी। डार्क वेब पर साइबर अपराधियों ने करीब 3 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डाली। एड्रेस फोन जैसे डिटेल्स की दुनिया में जारी है कोरोना की तबाही। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1 लाख से ज्यादा नए मामले। डेनमार्क की सरकार ने लॉकडाउन में दी छूट। सिनेमाघर, थिएटर, म्यूजियम और चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति। कोरोना की वजह से मिस्र की सरकार ने किया वेतन काटने का ऐलान। हर एक कर्मचारी की आमदनी में होगी 1% कटौती। कोरोना संकट में तबाही की कगार पर पहुंचा दुबई। एक सर्वे के मुताबिक 6 महीने में बंद होगी 70% कंपनियां। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ा है कोरोना का संक्रमण। मरीजों के लिए कम पड़ गए बेड। चिली की राजधानी सैंटियागो में भोजन के लिए हिंसक प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। मेक्सिको में कोरोना मरीजों के साथ साथ परिजनों को भी मुफ्त में दिया जा रहा है भोजन। अस्पतालों के बाहर खाने का इंतजाम। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बिगड़े हालात की वजह से 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। 5वीं बार बढ़ाई गई पाबंदी। सिंगापुर में कोरोना के 642 नए मामले। 31,000 के पार पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। नेपाल में 584 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटे में सामने आए 36 नए मामले। अमेज़न के जंगलों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आदिवासियों के गांव को सील करने के बावजूद नहीं थम रहा संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।